विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मां के दर्शन करने पहुंचे। वहीं प्रशासनिक अमला भी उनके स्वागतार्थ खड़ा नजर आया। समूचे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा और साफ सुथरा किया हुआ था। मंदिर में आसपास की सफाई व अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा साफ सुथरी और दुरुस्त दिखाई दी। बड़े बड़े वाद्य यंत्रों के साथ उनका स्वागत किया गया और वहीं मंदिर के स्थानीय पुजारियों ने वैदिक मंत्र उच्चारण कर मां नैना की स्तुति विधिवत रूप से संपन्न करवाई। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मां के दर्शनार्थ पहुंचे। वहीं प्रशासनिक अमला भी उनके स्वागतार्थ खड़ा नजर आया। समूचे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया और साफ सुथरा किया हुआ था। मंदिर में आसपास की सफाई अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा साफ सुथरी और दुरुस्त दिखाई दी। बड़े बड़े वाद्य यंत्रों और भजनंत्रियों के साथ उनका स्वागत किया गया और वहीं मंदिर के स्थानीय पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर मां नैना की स्तुति विधिवत रूप से संपन्न करवाई। दर्शन उपरांत मां के हवन कुंड में आहुति डाल कन्या पूजन कर अपनी यात्रा का समापन किया। मंदिर न्यास के सभी कार्यों का ब्यौरा और लेखा जोखा भी मंदिर न्यास अधिकारियों के द्वारा मांगा गया, जिस पर जिला उपायुक्त राजेश्वर ठाकुर ने बताया कि मंदिर न्यास यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधार्थ 24 घंटे निस्वार्थ रूप से उनकी सहायता के लिए तत्पर है। वहीं इस वर्ष नव प्रकल्प भी संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से श्री नैना देवी जी के इर्द गिर्द हेलीपैड का निर्माण करवाना और वृद्ध आश्रम का खोलना भी प्रस्तावित है। मंदिर उपायुक्त ने बताया कि जहां लाखों श्रद्धालु हर वर्ष मां के दर्शन करने आते हैं, वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलीपैड का निर्माण करना भी बहुत आवश्यक है, ताकि ये क्षेत्र जल्द से जल्द हेली सुविधाओं से जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु मां के दर नतमस्तक हो सके। वहीं वृद्ध आश्रम भी संचालित करना मंदिर न्यास का एक प्रस्तावित कदम है, जिस पर मंदिर न्यास में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। सभी लोग दर्शन करने के लिए कुछ सुविधाएं हम लोग बहुत सरकारों से ले, तेलंगाना का सरकार और हिमाचल प्रदेश का सरकार दोनों पर्यटक केंद्रों को बिठाकर ऐसे शक्तिपीठों को या ज्यादा पूरे दक्षिण के लोग ज्यादा दर्शन करने के लिए सुविधाएं जो है प्राप्त करेंगे। और हिमाचल प्रदेश का एक टूरिज्म सेंटर भी हैदराबाद में हम शुरुआत करेंगे।